मुस्कुराना भी। चाय बना रहे हो क्या? क्या हुआ चाय बना रहे हो? यार तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं वैसे करूंगा? चाय बना रहे हो? बनाओ। हाँ, दो कप चाय पिला दो। और ये आज मेरे लिए दो कप अच्छी सी चाय बनाएंगे, जिनका नाम है दीपक लोल। ये जॉन है भाई अपनी। और 22 बंदे ने मेरे को हंसा हंसा के भाई, हाँ भाई इनका नाम है भोसड़ पप्पू, इन्होंने मुझे हंसा हंसा के भाई गांडी फाड़ दी 3 दिन से भाई, हंस हंस के परेशान बना दिया। इतना हंसा रहा है ना बंदा ये भाई। एक भाई कह रहा है, अरे आदि भाई टी शर्ट तो बदल लिया कर। भाई ये बात आपने सही नोटिस की, लेकिन देखो क्या है कि अपने पास दूसरी कोई टी शर्ट नहीं है। टपाटप लाइव को शेयर करो पहले, तब करेंगे टपाटप। लोग पूछ रहे हैं कि दीपक भाई का नाम भोसड़ पप्पू किसने रखा? भाई वो कह रहे हैं उन्होंने खुद ने रखा, उनकी उनकी चॉइस थी। हेलो आदित्य भाई, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। आप बताइए भाई। चलो मैं किसी को ऐड करता हूँ, बट मैं रोस्टिंग करूँगा, मेरा थोड़ा रोस्टिंग करने का मन है, तो ज़्यादा चौदे वोदे मत करना। पहले एक बार लाइव को शेयर कर दो, तब तब करता हूँ। एक बार सारे भाई लाइव को शेयर कर दो, रैंडम को लूँगा। और फालतू की कोई बकचोदी मत करना कि ये है रे वो है रे, ठीक है? चलो भाई एक बार लाइव को शेयर करो सारे भाई, 400 लोग बैठे, एक बार शेयर कर दो, फिर एक को किसी को ऐड करता हूँ। एक एक करके रैंडम को ऐड करूँगा। नहीं, आप नहीं, बोलो, इधर बोलो एक बार। हेलो, सिस्टम पार्ट देंगे और अभी हम लोग चाय बनाएंगे। हेलो आदित्य, हाउ आर यू? यो यो कहाँ गई है लड़की? और भाई दीपक भाई ने कह रहे सिस्टम पार देंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो मेरा फेवरेट डायलॉग बोले जो मुझे पसंद है। कौन सा नाम? बात कर रहा है बात चल रहा है, बात बोलने चल रहा है। अरे यार। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, 500 लोग देख रहे हो, मैंने अपनी जिंदगी में क्या सक्सेस पाई है? 1 साल पहले मैं इस बंदे की लाइव के नीचे बैठ के लिखता था, प्लीज सर ऐड करो, प्लीज सर ऐड करो। भाई कुसामन नहीं करता था, मेरे घुटने घिस जाते थे, ये बंदा मेरे को ऐड नहीं करता था। और आज मैं इंस्टाग्राम का वो पहला बंदा हूँ जो आज दीपक कलाल के घर पे, मतलब दीपक कलाल के मैं घर पे रहता हूँ, घूमने आता हूँ, और ये बंदा रेस्पेक्ट करता है। तो भाई मैं तो अपने जीवन में अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानता हूँ। दोबारा बोलो। बात चल रहा है। एक बंदा भाई बोल रहे, जादूगर भाई बोल रहे, बड़क वाला डायलॉग। भाई बड़क वाला कौन सा डायलॉग था आपका? कौन सा ये कह रहे हैं बड़क बड़क वाला डायलॉग, पढ़क? बड़क बोला उन्होंने कुछ, बड़क वाला डायलॉग कुछ नहीं, वो नहीं। डायलॉग। अच्छा एक वो सिस्टम पार देंगे। सिस्टम पार देंगे जॉन के बदले। जॉन आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि आईडी को खतरा होता है। अभी मैं बहुत सुधर गया हूँ, बहुत ज्यादा सुधर गया हूँ मैं अभी। भाई ओ भाई भाई मुझे तुम्हारा सबसे फेवरेट लगा ना, तुमने वो एक वीडियो सबको में, मटका भी दिखाओ। हाँ मटका मटका मटका, यही वो हमारा मटका है ये भाई वही मटका है। इस मटके जिससे का हमें बहुत पेटीएम्स आए हैं। भाई ये बंदे ने भाई ये कभी फ्रिज नहीं दिखाया डबल डोर, ये मटका ही दिखाया। इस मटके को दिखा के पेटीएम लिया, और पेटीएम के पैसों से डबल डोर लिया। यार क्या बोलूं भाई, ये बंदा ना एक नंबर, एकदम जबरदस्त। लला लला तुमने शाम खाना खाया था? भूखी नहीं है, कसम से खाना नहीं खाया। ऐसा मत बोलो, पब्लिक देख रही है। अरे रियली मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे रियली भूख नहीं है यार। कसम से कौन है? अच्छा जादूगर भाई बोल रहे आदि भाई बत्तक वाला डायलॉग कुछ, हाँ करते हो यार। अच्छा बाडा, ए बाडा तू कहाँ घूम रहा है? बाडा हमारे साथ आओ, हम तुम्हारे साथ फोटो निकालेंगे। बाडा ए बाडा
और बडक, ये बदकाइन कहाँ पर है? बदकाइन, ओ बदकाइन, बडक ए बडक। यार तो भी भाई अपनोड़ी भाई, अपनोड़ी भाई बोल लेता हूँ, रुको। चाय एक ही कप बनाई तुमने? अरे सुन, मैं ठीक सुन रही हूँ, बता दूँ। मेरे पे मेरे लिए चाय बनाई? अरे बनाता हूँ बनाता हूँ, थोड़ा मैं है ना, क्योंकि मैं मेरे ही सोच में था बना। तो ये मत डालो, आधी आधी पीलेंगे इसमें से, और बना लो। अरे अरे भाई से बोलो, पनोड़ी भैया कैसे हो? तेरी भी आईडी गई और आज मेरी भी आईडी गई। सच्चे? आपकी? कौन सी? हाँ अरे भाई, कौन सी आईडी गई? आपकी आईडी से तो ऐड किया भाई मैंने आपको। अरे ये लकी पनोनी वाली है, मेरी गॉड इंटरेस्ट वाली अकाउंट जो है ना, इंस्टाग्राम ने उड़ा दिया मेरा अकाउंट। अरे बाप रे, हाँ तो भी इसका भी उड़ जाएगा, इसका इसका। ओ नहीं भाई, ओ भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात नहीं। अरे अरे इंस्टाग्राम, अरे इंस्टाग्राम ने उड़ाया है, बिकॉज के वो बहुत ही कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रो हुई थी ना मेरे से, तो मुझे एडवांस में मेल आ गया था अगस्त में आपका यू लूज योर अकाउंट एक्सेस। दो महीने से। तो उनका मैसेज आया था इंस्टाग्राम का? हाँ हाँ हाँ, आज सुबह में भी उनका मेल आया, उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई वी रिव्यू योर अकाउंट एंड देन वी गेट बैक विद यू इन 24 आवर्स। अच्छा, तो उनको लास्ट मैसेज क्या आया आपको? लास्ट मैसेज यही आया कि भाई आपका अकाउंट का सस्पेंस किया जाता है टुडे, एंड उन्होंने मेरी इंफॉर्मेशन मांगी, मेरा फोन नंबर एंड मेरा ईमेल आईडी एंड वो सब लिया। उसके बाद उनका मेल आया कि भाई हम आपका अकाउंट रिव्यू करेंगे, उसके बाद 24 आवर्स में आपका कॉन्टेक्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, तो क्या मैसेज आया लास्ट में? अरे भोसड़ी के बोल तो रहा हूँ कि 24 आवर्स में। और एक मैसेज आया कि आपका अकाउंट डिलीट कर दिया है, डिसेबल कर दिया है, ऐसा मैसेज आया? नहीं, उन्होंने ग्लिच तो नहीं लिखा था, ये लिखा था कि भाई योर अकाउंट इज डिलीटेड बिकॉज ऑफ द। अच्छा डिलीटेड, देखो क्योंकि अगर वो डिलीट हुआ है ना तो आप उसको कभी ला नहीं सकते हो। मेरा जो अकाउंट है वो डिसेबल हुआ है, तो डिसेबल है तो हो सकता है। मेरा डिसेबल हुआ है। अरे थोड़ी थोड़ी लेकिन तुझे दीपक ऐसा मेल आया तेरा अकाउंट रिव्यू करके हम लोग तुमको कांटेक्ट करेंगे। हाँ मुझे आया था ऐसा, मुझे आया था ऐसा। हाँ तो मुझे लगता नहीं है कि मेरा अकाउंट रिव्यू होने के बाद वो मुझे कभी भी मेरा अकाउंट वापिस देंगे, क्योंकि जब वो मेरी लाइव और वो सारी चीजें देखेंगे तो वो हक्का बक्का पहुंचा रह जाएंगे। ये भैंस को क्या है ये सब, क्या ये भैंस को फैक्टोरिया हो? ओ भाई लो लो, मैं लाइट जलाता हूँ, बैठो। हाँ ठीक है लो। दीपक देख, इसीलिए मैं तुझे बोलता हूँ कि बैकअप अकाउंट को बैकअप अकाउंट रखा कर, ठीक है ना? रखना चाहिए, मैंने तो रखा ही नहीं यार बैकअप, बैकअप अकाउंट मैंने रखा ही नहीं यार, मैंने रखा ही नहीं था। क्या हुआ? लाइट लगा? तो पनोड़ी भैया आप अभी इनसे बात करो, और सुनो पनोड़ी भैया मैं है ना आपसे कुछ पर्सनली भी बातें करूंगा, क्योंकि देखो कैसे है ना, इंस्टाग्राम से थोड़ा मैं चाहता हूँ कि हम पर्सनली बातें करें, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और कुछ दिल की बातें भी हम करें, क्योंकि देखो अभी जैसे आदित्य है तो मैं चाहता था कि आप भी मेरे साथ बैठे, आप मेरे साथ गप्पे मारे, लेकिन क्या करें यू नो कि आप रहते हो। नहीं करना कुछ नहीं है, मैं आ रहा हूँ अभी, तू बोले तो मैं अभी। अरे 12 घंटा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ना, लेकिन यार दीपक बस मुझे एक ही डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, समझता है ना? नहीं नहीं देखो ऐसे कुछ नहीं है, वो जो ओबामा अंकल है वो अच्छे हैं हमारा, वो तो अर्नोल्ड स्वार्ज़ेनेगर वो भी घर घर आते हैं, तो ऐसा कुछ इतना दिक्कत नहीं है वैसे देखा जाए तो। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यार जब कुटाई होती है दिल्ली की किसी सड़क पे तो ओबामा अंकल तो नहीं आ सकते ना वहां पे।
लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है वहां शादरा में घूमने की, तुम तो वहां पे मजे कर सकते हो। न्यूयॉर्क में कहाँ रहते हैं, हैमिल्टन कहाँ पे रहते हो तुम, सॉरी न्यूयॉर्क में कहाँ, नहीं बेबीलोन, बेबीलोन। नहीं लेकिन मुझे मुझे गरीबी को महसूस करना है, मुझे वही फटे आलू की सब्जी खानी है, मुझे मुझे जो रास्तों पे लोग खाते हैं मुझे उस चीजों का मजा लेना है। मुझे गीता कॉलोनी में जाके मुझे हरियाणा परिवहन में मुझे बस में ड्राइव करना है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है जो एक गरीब लोग करते हैं, जो एक गरीब लोग होते हैं जो अपनी पूरे दिन की जो उनकी प्रतिदिन की उनकी जो क्रिया होती है वो क्रियाओं को मैं अंदर से जानना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ। अब वो सारी चीजें करने के लिए मुझे सड़कों पे ही घूमना पड़ेगा ना, अब सड़कों पे मैं घूमूंगा तो मेरी तो कुटाई पक्की है वहां पे। अभी ये मैंने अक्की को इतनी गालियां दी है, अक्की को मैंने इतना तहस नहस किया है, तो तुम्हें लगता है कि अक्की ने अगर मुझे कहीं दिल्ली में देख लिया तो वो मुझे छोड़ेगा? पता नहीं क्यों, देखो अक्की के साथ तो मैंने भी शादी करता था और मैं अक्की से शादी भी करने वाला था, मेरे मम्मी ने अक्की को पसंद भी किया था, लेकिन जब अक्की को पता था कि मैं छक्की, फिर अक्की मेरे साथ शादी करने के लिए मना कर दिया। और माइला और मेरे जो वीडियोस है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए, तो अक्की को गुस्सा आया और अक्की ने माइला के आईडी के साथ भी कुछ किया। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अक्की से मैं शादी करना चाहता था, मेरी मम्मी जो है वो अक्की से बहुत प्यार करती थी, और अक्की ने मेरे लिए थार भी बुक की थी अक्की ने। हाँ वो तो मैं पूछना भूल ही गया, वो थार का क्या हुआ जो तुम्हारा फेम खाने के लिए अक्की भाई ने जो थार बुक की थी वहां पे, उस टाइम पे मैंने देखा था कि वहां पे। आपके जान को खतरा है, तो मैंने सोचा यार थार तो मेरी वहां पे पड़ी है और जान को मेरे खतरा है, फिर वो थार क्या काम की। तो पैसे हैं तो चने तो आपके पास बहुत है, लेकिन चबाना मना है, आप बता बात कर रहा है। अच्छा और दीपक का, मैंने मुझे तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बताया था कि जब तुमने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे अक्की पसंद है, अक्की ने लोलो कलाल के साथ वीडियो कॉल पे बात की, उसके बाद लोलो कलाल ने अक्की को आपको लिए पसंद कर दी, आपके लिए चुन लिया, तो लोलो कलाल ने महज ही दहेज में 2 लाख रुपए अक्की को रातों रात हाथों हाथ भेजे थे, लेकिन अक्की ने ये कंडीशन रखी थी आपके पास कि पहले तुम्हें महिला के साथ कुछ सेक्सुअल वीडियो बनानी पड़ेगी, जैसे कि आपने एक वीडियो बनाई थी जो अपना कहाँ पे थी वो वीडियो, अपना ये ले लो स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में। और फिर अक्की के पास 2 चॉइस थी, एक चूत थी और आपकी गांड थी, लेकिन अक्की ने आपके 2 लाख रुपए वो भाग गया महिला को लेके, तो इस बात में कितनी सच्चाई है दीपक कला? पता नहीं, मेरे मम्मी ने अक्की को 2 लाख दिए थे, लेकिन उसके बदले में अक्की ने 2 लाखें दी। और मेरी जो कहानी है वो बहुत ही दर्द भरी है, और हाँ जब तो सोचा कि मैं एक और मेरी बहुत अच्छी है, और हम लोगों ने साथ में कोलैबोरेशन करके वीडियोस भी बनाए, दिन के वीडियो इंस्टाग्राम पे डाले और रात के वीडियो पॉर्नहब पे डाले अक्की के साथ। नहीं, मैं बता, अच्छा ऐसे कुछ भी नहीं है, अक्की मेरा प्यार है और हम दोनों के बीच में ऐसे कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता था, मैं चाहता था कि वो मेरी मांग में सिंदूर भरे, लेकिन वो मुझसे दूर हो गया। नहीं, मैंने तो सुना था कि आप पहले अपनी टांग में सिंदूर भरवाते थे, ये मांग कहाँ से हो गई तुम्हारे दीपक कलाल? तुम नहीं, तो ऐसे अपने टांग, हमें सिंदूर की इज्जत करनी चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता उसकी वो निशानी है, तो मैं सिंदूर का कभी भी अपमान नहीं करूंगा। और अक्की से मैं प्यार करता हूँ और अक्की के साथ शादा कर कर ही रहूंगा। और मुझे पता है कि माहिला और मैं अगर एक थाल बांट कर खा सकते हैं तो एक थाली क्यों नहीं मील बांट कर खा सकते हैं। तो माहिला तुम्हें दूसरे पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करेगी, क्या लगता है तुम्हें? माहिला एक महिला है, तो क्या एक महिला दूसरी महिला को एक्सेप्ट कर, क्या नाम है, तो ये तो मुझे पता नहीं है। तो अक्की को डिसीजन लेना होगा कि तो माहिला के साथ क्या करना होगा या मेरे साथ, लेकिन मैं अक्की से बहुत प्यार करता हूँ। राइट तो तुमने कभी फिर,
तुमने जो तुमको जो पक्की करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत ज्यादा बात कर रहा है। और अक्की ने जो तुम्हारे लिए भंडारा करवाया था वो मैंने सुना है किसी और का भंडारा था वहां पे, किसी और के भंडारे में जाके। पोस्टर तो मेरा था, भंडारा किसका था वो पता नहीं, पोस्टर मेरा था। अरे हाँ, वहां पे उसने बोला होगा कि भैया एक पोस्टर लगा दो, ऐसे ही तुम भंडारा कर रहे हो तो दूसरे गरीब की भी बात सुन लो, पोस्टर लगा लेने दो भैया। उसने वहां पे हाथ पैर जोड़े होंगे और लगा दिया होगा उसने तुम्हारा पोस्टर। कौन सा बड़ा उसका कुछ जाएगा पोस्टर के अंदर, वही 50-100। लेकिन उसने तो मुझे कहा कि उसने 5 लाख रुपए वो भंडारा में खर्च किए थे, और अक्की तो बहुत ही सच्चा इंसान है। तो फिर थार कहाँ पे है? थार कहाँ पे है? उसने तो थार गिफ्ट की थी ना तुमको, जैसे मैंने तुम्हें फोन गिफ्ट किया तो फोन है ना तुम्हारे पास। हाँ। तो फिर थार कहाँ पे है? पता नहीं, वो तो उड़न छू हो गई यार। जो ब्लैक कलर की थार, जो ब्लैक कलर की थार तुम्हें दी गई थी, वो थार कहाँ पे है? मैंने तो सुना था अक्की के पास हेलीकॉप्टर भी था उस जमाने में। पता नहीं, उसने शायद किसी रिक्शा को पंखा लगाया होगा। उस जमाने में मैंने सब लोगों ने सुना था कि उसके पास तो हेलीकॉप्टर है। मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अक्की से शादा होकर ही रहेगा, क्योंकि मैं कहीं ये अक्की की बड़ी बड़ी बातें सुनकर महिला उसके प्यार के चक्कर में फंस तो मत गई है? उसके बाद महिला को पता चला कि ये तो नल्ला है, ये बेरोजगार है, ये एक कुछ भी नहीं करने वाला इंसान है। उसके बाद तो महिला को पता मत चला ये सारी चीजों के बारे में? पता नहीं। अच्छा, तो तुम्हें क्या पता है दीपक? तुम्हें सिर्फ यही पता है कि जो तुम्हारी गुफा है वो गुफा के अंदर अक्की को तुम पूरा संभालो। ऐसी कुछ भी नहीं है, मेरा फैसला अटल है, क्योंकि मेरा टनल अटल है। अच्छा, मेरा फैसला अटल है क्योंकि मेरे टनल का नाम अटल है, जो कि अभी नया बना है, बहुत ही बड्डा है, बहुत बड्डा। तो देखते हैं क्या होता है। और जितने भी मुरीद यहाँ पे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा सॉन्ग है दीपक कलाल का सिस्टम, तो यूट्यूब पे जरूर देखना, और आदित्य बालियान को भी फॉलो करना, और व्यू के वी के म्यूजिक रिकॉर्ड्स को भी फॉलो करना, और दीपक कलाल को प्यार करना बथेरा। बात कर रहा है। अच्छा सुन, हाँ सुनाओ। इतनी कंट्रोवर्सी करते हो? हाँ। तो तुम्हें ऐसे ही लगता है कि कंट्रोवर्सी करते हो तो ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसे ना हो कि ये तुम्हारे ब्रेड्स के पैकेट खराब हो जाए और तुम्हें तुम्हारी किडनी बेचनी पड़े। नहीं, किडनी तो मैं बेचूंगा नहीं, बिकॉज के मेरी खुद की किडनियां डैमेज हो चुकी है, हक्का फक्का भौचक्का रह गई है मेरी किडनियां, तो किडनी तो मेरी कोई लेगा नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये जो कंट्रोवर्सी मैं करता हूँ मेरी लाइफ पे, वो कंट्रोवर्सी में मुझे बहुत ही मजा आता है, मुझे बहुत ही मनोरंजन मिलता है उन बातों से, मुझे लोगों की टांग खींचना, लोगों को घसीटना, लोगों को पछाड़ना, मुझे बहुत ही मजा आता है सारी चीजों। लेकिन लोगों की जो आइडिया है उसका अलग निरंजन होता है, ये पता नहीं है। अच्छा, नहीं मैंने आज तक किसी की भी आइडिया नहीं उड़ाई है, क्योंकि ये आईडी मेरी नहीं है, ये आईडी मेरी नहीं है, मैं स्मोकिंग करूंगा क्योंकि ये आईडी मेरी नहीं है। मने ना किससे डर, मने ना किससे ये करना, दारू बना, अब तो मैं आईजी पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, बात कर रहा है, क्योंकि मेरी आईजी नहीं है, पीऊंगा, बात कर रहा है। पेट दुखा दे यार दीपक भाई यार, मैं वायोलेशन हो जाएगा, बैक
इतनी बात तो दीपक, तुम्हारा वायोलेशन हो गया तुम्हारी टनल के अंदर, अब कितनी बार वायोलेशन होगा? अरे उसको वायोलेशन नहीं, उसको इजैक्युलेशन कहते हैं, इजैक्युलेशन। लेकिन एक बात तो है दीपक तेरी, अब देख दीपक मेरी भी आईडी बैन हुई है, अब जैसे तेरी आईडी लोगों ने गूगल पे जा जाके सर्च करी तो शायद मेरा भी विकिपीडिया बन सकता है, ऐसा लगता है मुझे कहीं। अरे तूने सभी लड़कियों का चिकीपीडिया बना दिया, अब कौन से विकिपीडिया की बात कर रहा है? अरे जैसे अब लोग गूगल पे जाके मेरी आईडी को ढूंढेंगे तो तुम्हें लगता है पारस के मेरा भी विकी चिंचिया बनेगा? तुम्हारा कल तुमने चींचियों को डाला था ना खाना, हाँ वो चींचियां आपका अकाउंट खा गई। अरे यार मेरा विकिपीडिया बन गया, पता है लोगों ने सर्च किया तो? नहीं, वो चींचियों को तो मैं हर रोज दाना डालता हूँ। कहीं तुमने चींचियों को जहर तो मत डाल दिया? नहीं, मैं आदमियों को, मैं इंसानों को जहर खिला सकता हूँ लेकिन ये प्यारी चींचियों को कभी नहीं खिला सकता मैं ऐसी चीजें। अरे अकाउंट आ जाएगा भाई, कल आ जाएगा। पनोनी एक बहुत अच्छा इंसान है और वो जीजी दीदी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, बैक कर रहा है। सही बात है। कौन से कलर की बात करते दीपक? व्हाइट भाई, मैं ये चाहता हूँ जितने भी लोगों ने यहाँ पे मुझे फॉलो किया है वो सब लोग मुझे इसी अकाउंट पे दो दो बार फॉलो करो ताकि मेरे 60,000 हो जाए। एक ही अकाउंट पे दो दो बार फॉलो करो तो 60,000 मेरे हो जाएंगे। अच्छा मतलब एक दिन में 60,000 हो जाएंगे? अरे जैसे कि एक ही अकाउंट पे लोग दो दो बार फॉलो करेंगे तो डबल होगा ना। जो है 30,000 लोगों ने फॉलो किया, एक नई आईडी बना के करेंगे 30,000 लोग तो 60,000 ये हरामी लोग ये रिपोर्ट भी कर देंगे। अरे करने दे यार, रिपोर्ट से क्या होता है, कुछ नहीं भाई, आईडी गई तो इट्स नॉट अ बिग डील ब्रो। अरे रिपोर्ट से तुम्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर देंगे, यहाँ पर बात क्या जहाँ है। पनोली साथ में लाइव आया करना भाई, वो सिर्फ पप्पू की आईडी से। अगर मुझे यहाँ से डिपोर्ट किया गया ठीक है दीपक, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी जिंदगी को तो फिर बहुत ही खतरा हो सकता है ना। पनोड़ी इंडिया मत जाइए फिर भी, लेकिन मैं उसके लिए गाना गाऊंगा, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी मुझे बहने दो, प्यासी हूँ मैं प्यासी रहने दो। अरे पनोड़ी भाई, दीपक भाई ने भाईचारा बनाया, उनका भाईचारा टूट जाएगा, वो भी मार खा जाएंगे आपके चक्कर में। ये जादूगर है पनोड़ी भाई, मैं कह रहा हूँ दिल्ली ना जाइए भाई, सब जगह चला जाइए, दिल्ली में चला जाइए भाई, और खासकर एनसीआर में। हाँ क्योंकि एनसीआर में चमड़ी उधेड़ देते हैं भाई आजकल। हाँ अब तो मैं गुजरात भी नहीं जा सकता ना, गुजरात के डॉन को मैंने आईडी बंद करने पे मजबूर कर दिया, गुजरात का नल्ला डॉन आईडी बंद करके अपनी भाग गया। डॉन होते हैं और आईडी उठने के बाद कौन होते हैं? कौन? मेरी आईडी, अरे मैंने मेरी आईडी पर बिस्लेरी फेर दिया है और मुझे आईजी की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी फेस वैल्यू है, तो सही बात है, प्यार करे बथेरा, तो जब मुझे लोग मेरी फेस वैल्यू के कारण ऐड करते हैं तो फिर मैं मेरी आईजी क्यों बुलाऊं? भना मत बनाओ। और सुन मामा, तेरे माँ की चूत मामा, तेरी माँ का घोसरा, तेरी मादर चोट, दूसरी एक लड़की को तूने एचआईवी दिया है, ये वो मेरी आईडी बहन की लॉरी, वो 24 आवर्स में मेरी आईडी बाहर वो वापिस आ जाएगी, वहां पे उस लड़की का मैं कन्वर्जेशन दिखाऊंगा। तेरे माँ की चूत तेरी भाई, वो एक गुजरात की लड़की है जिसने आज मुझे सुबह में कॉन्टेक्ट किया, पारस भाई आपसे बात हुई ना मेरी, उसके 1.5-2 घंटे पहले मेरी उससे बात हुई, तो वो लड़की के साथ ये मामा रिलेशनशिप में था, वो गुजरात की लड़की है, वो लड़की ने जब मेरी लाइव देखी थी आज से 1 हफ्ते पहले, वो लड़की ने जब अपना एचआईवी टेस्ट करवाया, उस लड़की का एचआईवी टेस्ट मामा तेरी माँ की चूत पॉजिटिव है, पॉजिटिव। वो मेरी आईडी अभी बैन की लॉरी बैन हो गई है, लेकिन मेरी आईडी वापिस आने दे, वो लड़की को मैं लाइव पे लेके आऊंगा मामा तेरी माँ का। ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
मैं एचआईवी बोलता हूँ यार, वो एचआईवी अच्छा लगता है ना बोलने में, एड्स बोलने में। एचएससी किया है जिंदगी में, एचएससी के आगे गया नहीं है, तुझे एचआईवी के बारे में क्या पता है? एचएससी किया है कभी जिंदगी में? बात कर रहा है मामा बहन के लौड़े, तूने दूसरी एक जिंदगी खराब कर दी, तेरी तो माँ सोचूंगा ही सोचूंगा मैं। ये बहन का लौड़ा बोल रहा था ना कि बहन चो सबूत ला के दो, सबूत ला के दो, सारे सबूत बहन के लौड़े, मैंने सारे एक एक सबूत बहन तेरी माँ की चूत तेरी सब सारे सबूत आ गए मेरे पास, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मामा, तेरी माँ की चूत तेरी। अरे भाई तो अब तुझे ये दुकान बंद करके टेलीफोन बूथ खोलना पड़ेगा। बात क्या कहा है आज आज मामा, तेरी जो भतीजी है, तेरी जो प्यारी भतीजी, आज उसको मैं सरे आम उसकी मीम्स बनाना शुरू करूंगा। तेरी माँ की चूत तेरी, तूने दूसरी एक जिंदगी को और खराब किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और सुनो नसीब, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी मादर चोद हरामी की औलाद, तू तेरी बहन की चूत तेरी मीम्स बनाएगा, तू मेरे मीम्स बनाएगा, बना तेरी माँ की चूत तेरी, तू बनवा मेरे मीम्स, मुझे तो कोई फर्क मत पड़ेगा। और कैसा है, रुक पैसे कमा लेने दे पहले। अच्छा बात कर रहा है हिंदी में बात कर रहा है बुड्ढे से हिंदी में बात करता है, बताओ। और दीपक भाई क्या हाल है भाई? मेरे हाल तो बेहाल है। बात कर रहा है कौन से दीपक भाई आप? कौन सी सिगरेट पी रहे हो दीपक भाई? नई आईडी बनाई कि नहीं बनाई? नहीं नहीं, मैंने अभी इंस्टा से ब्रेक ले लिया है थोड़े दिन के लिए, और मेरा सोशल मीडिया से। ये बहुत चिपक रहा है आदित्य तेरे साथ भाई, बहुत चिपक चिपक के बैठा हुआ है भाई। ये यार मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है भाई, इंस्टाग्राम पे इनको लाखों लोग देखते हैं, लेकिन घर पे कौन रहता है आदित्य वाली? अच्छा अक्की भाई, एक मिनट। और अक्की भाई कॉमेडी किया है, अक्की भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मुझे उससे कुछ गीला गीला नहीं है, शिकवा भी नहीं है, गीला गीला भी नहीं है अक्की से। तो अक्की भाई कॉमेडी कर रहा था, मेरी बात का बुरा ना मानी हो, नहीं तो वो भाई पप्पी करो। दीपक भाई पप्पी तो करो। अक्की भाई को मैं कह रहा हूँ कि कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, नहीं तो वो और अंकित के साथ आएगा यहाँ पे लॉस एंजलिस में। तुम्हें दिखाता हूँ, मैं जेल दिखाता हूँ, यहाँ गई जेल के दर्शन कराता हूँ। पनौड़ी तुम बेखूबी जानता होगा इस जेल को बहुत। अरे भाई सबसे ज्यादा जेल तो मिसूरी में है। हाँ ये रही एक और। कितने दिन काटे दीपक भाई उसमें? ये देखो भाई। अरे तो तू क्या हजेरी लगाने के लिए जा रहा है क्या? अब बता, वो जेल में तू हजेरी लगाने के लिए जा रहा है ना? बात कर रहा है, तेरी सिक्योरिटी में पड़ी है पनोनी भैया की आईडी, सिक्योरिटी में, इसी सिक्योरिटी में पनोनी भैया की आईडी गई है, कल आ जाएगी। जेल मत दिखाओ चलो ये देखो, शेरिफ इन जेल, जेल 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 कर देंगे जेल। अब दिखाता हूँ कोर्ट हाउस, ये रहा कोर्ट हाउस, यहाँ का जाना, यहाँ पे हमने कोर्ट में धक्के खाएंगे तभी तो पैसा आएगा ना कहीं से। अरे धक्के क्या, थोड़ा गुड़ भी खा ले 2 किलो, एक चम्मच च्यवनप्राश के साथ। अरे बात कर रहा है मैं तेरी आईडी छुड़वाने आया हूँ कोर्ट हाउस में भाई, तुम दोनों की जो दलील है ना भाई, कोर्ट हाउस में जाएंगे भाई तभी तुम्हारी आईडी वापस आएगी। मैके गई हुई कुछ होता है क्या? और इंस्टाग्राम की आईडी कभी वापस ना आया कर रहा है, बात क्या यहां है दीपक? मैके गई तो हुई आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी कभी वापस ना आया कर रहा है आईडी आ जाएगी तेरी आईडी वापस आ जाएगी, चिंता ना कर, 2 साल और पड़े अभी दो साल तक आ जाता सब कुछ वापस। पार्लियामेंट में बाद में ऐड होता हूँ।
ओके ब्रो, भाई पनोड़ी भाई को सारे यार फॉलो कर लेना, इनकी मेन आईडी भी यही है। अरे रुक जा एक मिनट, रुक जा, आईडी छोड़ दे तू, चला जा, तेरी आईडी को फॉलो करवाते हैं यार। नहीं नहीं ओके यार, फॉलो कोई करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ना एक बार ये पनोड़ी भाई की मेन आईडी भी यही है, सारे फॉलो कर ले। पनोड़ी भाई को सबको फॉलो करो क्योंकि पनोड़ी भाई दिल के बहुत अच्छे हैं और पनोड़ी भैया हम सबको हंसाने के लिए कॉमेडी करते हैं। अरे नहीं नहीं ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बहन की लोड़ी, ये इसकी बहन की छूत, इसकी यहाँ पे कुछ फ्रीजर में प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, ओके चलो बाय, चाचा बाय। अबे कितने दिन वैन का प्रॉब्लम है तेरा? क्या कह रहे हो? कितने दिन आई है माइक? नहीं नहीं मैं तो देखो, जब तक मैं एक इनकी गोद में एक छोटा बच्चा न दे दूं तब तक मैं अपना कच्चा बादाम नहीं लाऊंगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इतनी गंदी लाइव चलाई, सब लड़कियों ने हाथ खड़े कर दिए टांगों के साथ कि हम आदित्य बालियान से शादी नहीं करेंगे। हमने शादी के नाम पे दीपक की गांड में आधा दे दिया। अब ये मेरी बंदी है, दीपक ग्लोल की गांड कोई नहीं देखेगा, सिर्फ मैं। और ये वही बेड है जिसपे हम स्वाग वाली रात मनाते हैं, देख लो। अरे इसकी मम्मी की नाइटी पड़ी हुई है। ओ नहीं नहीं नहीं, बेड सीट है यार। अच्छा दीपक भाई, दीपक भाई नहीं जान, जो मेरा आपका एमएमएस है क्या मैं अपने यूट्यूब पर डाल दूं जो मैंने आपको ठोकते टाइम बनाया है? ठीक है डाल दो, लेकिन गौर करें कि उसे एडल्ट लिखना ना भूले, ना भूले। आपका कहा है? भाई, आदि भाई आपके यूट्यूब पे 10K होने वाले, कुछ पार्टी वार्टी है कि नहीं? पार्टी भाई, दीपक भाई के लिए मैं पैंटी लेके आऊंगा। पार्टी का टी पड़ा है यहाँ पे, कहाँ पार्टी की बात कर रहा है? किटली में पड़ा है, बात कर रहा है भाई। भाई ये वाला बंदे काम करने वाला क्या, क्या इनका इनका नेट बंद है शायद। भाई मजा आ गया भाई, पेट दुखने लगा। फोन आ गया था फोन। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एक मुझे सारा कुछ बताओ, सबका ठीक है? तुमने दीपक लाल की मम्मी की नाइटी वहां क्यों रख रखी है तुमने? नहीं नहीं देखो, वो मेरी सास हैं, वो मेरी भी मम्मी है, क्योंकि ये मेरी वाइफ हैं, तो मैं अपनी वाइफ के कच्चे के अंदर के बच्चे को छेड़ू या अपने कच्चे के अंदर के बच्चे को उनके हाथ में छोड़ू, वो मैटर नहीं करता है। कहीं तुमने वो गाना तो नहीं गाया, सास भी कहीं बहू की? नहीं नहीं वो तो किया मैंने, और मैं तो देखो सुनो भाई, मेरा जो दीपक का एमएमएस है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, बट स्ट्राइक मत लगने देना। चली गई भाई वो देवा। नहीं नहीं देखो यार सुनो, अब मेरी तो शादी हो चुकी है ना दीपक के साथ। अब इसने मेरे को बोला अगर तूने मेरे को छोड़ा तो मैं इस बच्चे को लेके दूर दूर तक जाऊंगा। तो दीपक आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया, जब मैं ऊपर था कि जब आप घोड़ी थी? और मैं बताइए ये राज की बातें राज रहने दो, क्योंकि एक बात बताऊं, राज की बातें राज रखोगे तो इंस्टाग्राम सरताज पाओगे, नहीं तो बाज नहीं आओगे। तो भाई सब पता नहीं, राइमिंग मेरा हो नहीं रहा है, चलो छोड़ो। मैं तो रुक जाता। अरे दीपक भाई चाय बना लो, चाय पीते हैं। आदित्य इस रात नहीं, दोनों पी के चाय, फिर मैं अपने रूम में जाता हूँ, फिर मैं सोता हूँ, फिर मैं रात को 2 बजे उठ के आऊँ। मैं लाइव हूँ मेरी जान, आप मेरी नहीं नहीं वाइफ होना समझो। वाओ आदित्य भाई, इस राज को दीपक की 2 आईडी की तरह दफन रहने दो। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं भाई, अपनी जॉन है। अरे आईडी उड़नी उड़नी चाहिए यार, मजा आता था इसके यार। देखो आईडी से पता क्या होता है, देखो आईडी उड़ने से ना तू किस बात का है, देखो कि अभी देखो खुल के मजा लेते हैं बंदे, अपना मस्ती मजाक चलती है तो बढ़िया मजा आता है। तो और देखो लोगों को हंसाने का ही काम है, बाकी किसी का दिल दुखाना तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा भाई यहाँ बाल मजदूरी करवा रहे हैं इससे बेचारे से, पिज्जा बिकवा रहे हैं, इमो पिज्जा, कोर्ट हाउस में पिज्जा चल रहा है, कोर्ट हाउस में पिज्जा चल रहा है ऐसा तो कोर्ट हाउस है। तो अब तो मुझे हैंडसम बनने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे पास तो लुगाई भी है। तुम्हारी शादा हो चुका है तुम्हारा? भाई बिना शादे के फेल दिया मैंने तो। देखो क्या हुआ था, जब मैंने पहले रखा था इनके अंदर 6 महीने पहले, तो वो बच्चा ठहर नहीं पाया, तो इसलिए मैं फिर 15 दिन के लिए इधर आया। अच्छा अबॉर्शन तो नहीं करवा दिया था? वो पता नहीं उन्होंने क्या किया बीच में, मेरे इनके कुछ झगड़े हुए, क्योंकि इंडिया में सिर्फ ये लड़की को और लड़के के दोनों को अबॉर्शन करवाएगा ना इसने, इसको चाहिए ट्रांसजेंडर। बिल्कुल, और ये सच बोल रहा हूँ मैं, देखो प्यार का कोई मोल नहीं होता है,
मैंने तोल तोल के इनकी कोक में प्यार भर दिया। अरे कुछ महीने बाद दीपक लाल के साथ सच में महीना महीना दो महीना कितने देर रहेगा यहाँ? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं पता ना, देखो जब तक मतलब बीज नहीं डलेगा अच्छे से रखा नहीं जाएगा तो मैं रहूंगा यहाँ तक। अच्छा डल जाएगा डल जाएगा। तो वही है, बाकी दुआ दुआ करना कि मेरी तरह हैंडसम हो लड़का एकदम, अगर लड़का होता है तो दीपक की तरह हो जी। नहीं नहीं और बताओ। बढ़िया बढ़िया, बस वेट कर रहा हूँ भाई, गोरे आ गए यहाँ पे। भाई देखो जितने भाई देख रहे हो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आज मेरी मेरे यूट्यूब के किसी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि ये आदित्य वही था, तो मैं बताता हूँ लोगों को समझ नहीं, मुझे नहीं पता सक्सेस इसको बोलते हैं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मानता हूँ। एक साल पहले जो बंदा दीपक कराल की लाइव पे लिखता था एडमी एडमी, आज वो इस बेड पे बैठा है जिस बेड पे दीपक कराल लाइव आता था, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं सक्सेस हूँ भाई। हो गया सक्सेसफुल तू भाई, तू यार देखो कि कम बेड तक पहुंच गया भाई, इससे ज्यादा सक्सेस यार भाई। इंस्टाग्राम पे कोई बंदा नहीं आया, इवन इनके कोई गेस्ट भी नहीं आए इस घर में, जो ये मेन घर है ये मटके वाले घर में मैं पहला ऐसा बंदा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि मैं बहुत खुश हूँ एंड आई रेस्पेक्ट हिम। अब इसको दीपक को मैं हिम बोलू हर बोलू आई डोंट नो, बट दे 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 अमेरिका में दे बोलते हैं भाई। ओके ये आवाजें कैसी आ रही है भाई, तू तो यहाँ बैठा हुआ है क्या? ये आवाजें कैसी आ रही थी टप टप की, तू तो यहाँ बैठा हुआ है? ये तो मैं ऐसे कर रहा था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा तू तो दूर है उससे, वो अकेला ही तो नहीं लग गया कहीं? नहीं। और क्या चल रहा तेरी जिंदगी में भाई? क्या चीज भाई, जिसने मेरे नाम से आईडी बना रखी, गाली मत दो भाई ऐसे किसी को, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे भाई, प्लीज 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 ऐसे गाली मत दो। देखो आपने मेरे नाम से आईडी बनाई, ऐसे गाली मत दो प्लीज। क्या भाई क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कितने दिन के लिए भी, क्या प्रोग्राम है जिंदगी का, वहाँ फ्लैट वगैरह पे कहाँ कौन रह रहा है, कोई और बैठा गया है क्या वहाँ? नहीं नहीं अभी किसी को नहीं, और दूसरा क्या है कि आज आज चलो हाँ मैं बताता हूँ, एक आज मैंने और दीपक भाई ने एक ऐसा व्लॉग डाला है दिन में, मतलब हर चीज दिखाई है, दीपक भाई का जो बार टफ है वो कैसा है, बार टफ कैसा है, दीपक भाई के घर कैसा लगता है देखने में, वो किचन का राज क्या है, कैसे एंट्री है और क्या क्या चीजें दिखती है, कहाँ मिरर लगा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरी स्टोरी देख लेना, स्टोरी पे मैंने डाला हुआ है वो मेरे यूट्यूब चैनल का। सो ये देखो मेरी धर्म पत्नी चाय बना के लाई है मेरे लिए, थैंक यू डार्लिंग। वाओ देखो भाई इतना प्यार करती है मेरे को बहुत। बहुत ज्यादा। अरे तुमने ये बहुत ज्यादा दीपक तेरा भाई तो सामने तो आ जाए यार।